हेलो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चल रहा है। गाइस ट्रेंड ये है, उसमें जो अपने लोग जो है अपने फोटो ऐड करके वीडियो डाल रहा है रील्स पर, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। गाइस क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ। उस वीडियो में लोग फोटो ऐड करते हैं अपने, जैसे 20 फोटो ऐड करते हैं, 15 फोटो ऐड करते हैं, वो मर्ज़ी होती है लोगों की कितने फोटो ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। उसमें एक म्यूज़िक डाला जाता है, वही म्यूज़िक डाला जाता है जिस म्यूज़िक पर वायरल हो रही है वीडियो, जो साउंड चल रही है उसमें। तो गाइस मैं आपको सब बताने वाला हूँ, आप साउंड कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो। और गाइस आज आपको ये भी बताऊँगा मैं, आप साउंड मेरे इंस्टाग्राम में से भी ले सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करूँगा, उसमें आप साउंड में घुस के डाल सकते हो, वो साउंड ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। आपको मैं ये कैसे बताऊँगा, कौन ये भी बताऊँगा गाइस, कौन से ऐप से करनी है, कैसे इफेक्ट मारना है, कैसे आपको साउंड ऐड करनी है, कहाँ कहाँ पर आपको कितना छोटा बड़ा फ़ोटो करना है, ठीक है। गाइस आज आपको मैं पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ। मेरा नाम है फाजिल अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाजिल अली टेक। तो गाइस आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में से आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है जिस ऐप में मैं वीडियो एडिट करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये गाइस आपके सामने वीडियोस आ रही हैं, तो आपको वीडियो सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको फोटो सेलेक्ट करना है। या फोटो वाले फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस देख सकते हो आप फोटो आ चुके हैं, ठीक है। आपने देखा फोटो आ चुके हैं। तो गाइस आज आपको मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कैसे आपको मैं लाइव कर मतलब इतना करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पूरी तरीके से आपको करके दिखाऊंगा एक एक फोटो, तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको मैं ठीक से समझा देता हूं जिससे आपके आसानी से समझ में आए और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो गाइस क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं आपको ऐसी फ़ोटो सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, वो आपके अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो कि आपको फर्स्ट नंबर पर कौन सा फ़ोटो चाहिए, सेकेंड नंबर पर कौन सा चाहिए, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोटो, और मैं ऐसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने मतलब 20 फोटो सेलेक्ट कर लिए मान लो, ठीक है। अब आपको गाइस क्या करना है, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में गाइस उसका लिंक भी डाल दूंगा जिससे आप अपनी मतलब कोई भी वीडियोस की MP3 में कन्वर्ट कर सकते हो। ज़्यादा MB का ऐप नहीं हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है गाइस। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गाइस फर्स्ट वाला फ़ोटो जो है ना गाइस, आपको फर्स्ट वाला फ़ोटो जो है उसका साइज़ मैं आपको बता दूँ क्या रखना है। अब मैं इसमें करके दिखाऊंगा, तो गाइस मुझे साउंड बजानी पड़ेगी। तो गाइस पहले आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑडियो ऐड करनी है इसमें, तो ऑडियो ऐड के गाइस ऊपर को ऑप्शन दे रखा है प्लस वाला, इसमें क्लिक करना है म्यूज़िक प्लस का। इस पर क्लिक करके गाइस म्यूज़िक पर जाकर यहाँ से म्यूज़िक सेलेक्ट करने का जो हमने डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने म्यूज़िक चूज़ कर लिया है, ठीक है। ये 22 सेकंड का म्यूज़िक है गाइस, वो आपकी मर्ज़ी, आप वीडियो कितने सेकंड की बनाना चाहते हो फोटो के, 22 सेकंड की या फिर कम की, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब गाइस मैं म्यूज़िक बजा के नहीं दिखा सकता, कभी कॉपीराइट का क्लेम आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको ऐसी समझा देता हूँ गाइस आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट वाला फ़ोटो है उसका साइज़ आपको कितना रखना है और बाकी फ़ोटोज़ का साइज़ आपको कितना रखना है, बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। गाइस जो फर्स्ट वाला फ़ोटो है ना हमारा, इस पर ट्रिम, आपको इस पर क्लिक फ़ोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये लिखा है ट्रिम, ट्रिम पर क्लिक करना है। तो गाइस फर्स्ट वाला फ़ोटो आपको रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा आपको यहाँ का 3.14 का आपको रखना है, 3.14S आपको रखना है फर्स्ट वाला फ़ोटो का साइज़, ठीक है। अब जो बाकी फ़ोटो हैं हमारे, तो गाइस बाकी फ़ोटो में पहले आप वीडियो की आप ऐसे करके हाथ से दोनों हाथों से लेयर बड़ी कर लीजिए, ठीक है, ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हैं फ़ोटो की लेयर अब आसानी से ट्रिम हो जाएगा फ़ोटो। तो गाइस बाकी फ़ोटो का साइज़ क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ, इस पर क्लिक करके आपको ट्रिम पर जाकर, तो गाइस आपको क्या करना है, आप अपने फ़ोटो का साइज़ रखना है 60S रखना है आपको, ठीक है, 0.60S आपको इस फ़ोटो का साइज़ रखना है। गाइस आपको जितने भी फ़ोटो हैं मैं आपको दिखाता हूँ, 60S एक आध कम कर सकते हो 60, ठीक है। आपको सब फ़ोटो का यही साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। गाइस ये फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको ये भी बताऊँ मैं, इफेक्ट कौन से मारने हैं, कहाँ से मारने हैं, कैसे मारने हैं, मैं आपको ये पहले ये फ़ोटो सबके 60S कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये लास्ट में जो ब्लैक वाला आ रहा है आपको उसको काट देना है, इससे नाम लिखाएगा वीडियो को, इसको आपको क्लिक करके आपको इस पर डिलीट पर क्लिक कर देना है। ये हमारा कट चुका है पार्ट। गाइस अब देख सकते हैं मैंने सब पे वो टाइम लगा चुका है कितने कितने सेकंड का आपको करना है। सिर्फ ये फर्स्ट वाला आपको 3.14S का करना है, बाकी आपको 60 के आसपास के करने हैं, ठीक है। अब आपको गाइस क्या करना है, जैसे हमने म्यूज़िक सेलेक्ट भी कर लिया था गाइस, आपको अब क्या करना है गाइस, इसमें आपको इफेक्ट मारने हैं। इफेक्ट मारने के लिए मैं आपको बताता हूँ गाइस, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है FX, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर इतने सारे वो इफेक्ट आ रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इफेक्ट मार सकते हो। जैसे मैंने गाइस मारे अपनी वीडियो में इफेक्ट, मैं आपको बता दूँ मैंने कैसे मारे थे। तो गाइस मैंने सबसे पहले लिया था फ्लैश वाला, सबसे पहले मैंने फ्लैश वाला लिया एक फ़ोटो पर, और फिर मैंने नेक्स्ट वाले फ़ोटो पर लिया गाइस। जैसे यहाँ पर आप ये देखते हैं फ्लैश का भी टाइमर आ रहा है यहाँ पर, कहाँ पर आप फ्लैश चाहते हो, तो ये देख सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। हमें शुरू में चाहिए तो हम शुरू में रख लेते हैं, ठीक है, बड़ा करके इसे शुरू में रख लिया। अभी गाइस पड़ चुका है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमें सब फोटो पर मारना है, हमने सब फोटो पर हमें क्लिक करना है इस पर, फिर इसके बाद हमें एफ एक्स पर क्लिक करना है। तो गाइस हमें ऐसे मारना है, हमारी वीडियो हम अपनी मर्ज़ी से आप मार सकते हो किस तरीके से आप मारना चाहते हो। जैसे मैंने एक फ़ोटो सबसे पहले फ्लैश कर लिया, फिर मैं जूम कर ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, दूसरा फ़ोटो मुझे फ्लैश का करना है, ठीक है। मैं जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने आपको जल्दी से करके दिखाया था, सब मैं इफेक्ट मार चुका हूँ, ठीक है। आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मैंने सिर्फ आपको टाइमर बता दिया कि आपको कितने टाइमर का फ़ोटो रखना है। आपका साउंड के हिसाब से खुद मतलब फ़ोटो ऐड हो जाएगा साउंड में, जो अच्छा लगेगा। आपको कोशिश कर करके नहीं देखनी पड़ेगी बार बार कैसा अच्छा लग रहा है। मैंने आपको टाइम बता दिया, सेकेंड बताया कितना फ़ोटो का आपको रखना है। तो गाइस आपको हमारा फ़ोटो हमारी वीडियो बन चुकी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, म्यूज़िक मैंने बंद कर दिया ताकि कॉपीराइट नहीं आए वीडियो पे यूट्यूब की। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो कैसी लग रही है वीडियो। तो गाइस देख कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। अब आपको सेव करना है इसे, सब कुछ हमारा काम हो चुका है, इफेक्ट लग चुके हैं, म्यूज़िक लग चुका है, सब कुछ लग चुका है। चाहे तो आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ से और भी काम दे रखा आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। जैसा हमारी वीडियो तैयार हो चुकी है, हमें क्या करना है ऊपर जाके एक्सपोर्ट करना है, हमें सेव करेंगे इसमें सेव हो जाएगा, हमें एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के सामने आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा गाइस, इसको आपको एनेबल कर दो। यहाँ से आप कम बढ़ती कर सकते हो साइज़ अपना, मतलब वीडियो क्या क्वालिटी में चाहते हो आप कर सकते हो, वरना आपको इसको एनेबल करके आपको राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक होने के बाद गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, एक्सपोर्टिंग हो रही है गाइस, देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको गैलरी में कैसे सेव करनी है वीडियो। गाइस देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पे पोस्ट भी कर सकते हो इस ऐप पे, ये लिखा है ना नीचे सेव एंड पब्लिश। आपको इस पे नहीं करना है, अगर पोस्ट नहीं करनी है आपको, सेव करनी है वीडियो गैलरी में, तो आपको इस पे क्लिक करना है, सेव टू एल्बम पे आपको इस पे क्लिक करना है। तो गाइस हमारी ये एक सेव हो चुकी है एल्बम में, मैं आपको दिखाता हूँ वो वीडियो में जाके। तो गाइस देखिए ये वीडियोस हमारी आ चुकी है, 13 सेकेंड की बनी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और गाइस जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले वो मैं आपको अब खुद वो दिखाता हूँ इससे नेक्स्ट वाली, जो ये रही गाइस जो मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी, वो वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। आप अपनी मर्ज़ी आराम से इफेक्ट डाले थे इसमें, आप डाल सकते हो इफेक्ट वो डाले थे जो मैंने आपको वीडियो में बताया, देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है वीडियो गाइस। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, वीडियो पसंद आई हो दिल से एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ढेर सारे ट्रिक्स के लिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो गाइस, वहाँ भी मैं ट्रिक्स डालता रहता हूँ एडिटिंग की, मोबाइल की ट्रिक्स की, वहाँ वीडियो डालता रहता हूँ गाइस। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे सब चीज़ों के।